गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे गोरखपुर बाईपास से सिलीगुड़ी तक हम 30,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीन फील्ड और एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे ये बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल से पिछले क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में बनने वाला है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के गोरखपुर को वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई 520 किलोमीटर होने वाला है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे में से एक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप आगे वीडियो में समझ जाओगे। आप लोगों ने इंडिया के चिकन नेक के बारे में सुना होगा। इंडिया के इस पतले से कॉरिडोर को इंडिया का चिकन नेक कहते हैं। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर लंबा है और सिर्फ 20-22 किलोमीटर चौड़ा है। ये स्मॉल कॉरिडोर ऑलमोस्ट इंडिया के 8 स्टेट को बाकी इंडिया से जोड़ने का काम करता है। अगर किसी दुश्मन देश ने इस कॉरिडोर को कैप्चर करके ब्लॉक कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंडिया से परमानेंटली कट हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो इंडिया को कितना बड़ा लॉस होगा। इंडिया ऑलमोस्ट 7 स्टेट्स को खो देगा और ये पूरा एरिया 2.62 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और ये इंडिया का 8% लैंड है। इंडिया का ऑलमोस्ट 3% GDP कम हो जाएगा और इतना ही नहीं बल्कि हम लोग ऑलमोस्ट 5 करोड़ इंडियंस को खो देंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया कट हो गया तो इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो भी खत्म हो जाएगा, जिसमें हमारा सपना है कि हम लोग इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से होते हुए हाईवे के थ्रू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कनेक्ट करना चाहते हैं। इसका इंडिया को ये फायदा होगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया आशियान कंट्रीज के लिए गेटवे बन जाएगा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भी आशियान कंट्री का एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा। और हाईवे बन जाने से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स उनके साथ आसानी से ट्रेड कर सकती हैं और इसका ओवरऑल ये फायदा होगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी तेजी से ग्रो करेंगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए इंडिया का सबसे बड़ा फियर क्या है, एक तो ये बहुत नैरो कॉरिडोर है, 20-22 किलोमीटर चौड़ा है सिर्फ, और दूसरी तरफ ये ऑलमोस्ट चारों तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ लगा हुआ है। इस कॉरिडोर के एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है, भूटान है और चाइना है। नेपाल बांग्लादेश और भूटान के साथ तो इंडिया का अच्छा रिलेशन है, बट चाइना के साथ हम सब जानते हैं कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए सबसे बड़ा फियर चाइना ही है। हम सब जानते हैं कि इस एरिया में चाइना के साथ हमारा वॉर हो चुका है, एक 1962 में हुआ था और एक 1967 में हुआ था। The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. Nehru was shocked by this unprovoked act of treachery. भाइयों, बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए और करते जाते हैं। जहाँ की एक बहुत ताकतवर दुश्मन जिसको जरा फिक्र न शांति की थी, न शांति के तरीकों की, उसने हमें धमकी दी और उस धमकी पर अमल भी किया। इसलिए वक्त आ गया है कि हम इस खतरे को पूर्ण तौर से समझें। 1962 में तो हम लोग चाइना के साथ हार गए थे। चाइना ऑलमोस्ट आसाम के तेजपुर तक आ गया था। बट 1967 में चाइना के साथ एक छोटा सा वॉर हुआ था चुंबी वैली के पास, नाथुला, चोला, जेलुकुला। यहाँ पे तो हम लोगों ने चाइना को काफी हद तक पीछे कर दिया था। जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर होता था तब चाइना इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए इसी एरिया के पास हैवी मिलिट्री डिप्लॉय करने लगता था। एंड जब बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था तब पाकिस्तान भी इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए यहाँ पर हैवी मिलिट्री डिप्लॉय करने लगता था। और पाकिस्तान और चाइना नॉर्थ ईस्ट के जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे उनको फंडिंग देकर नॉर्थ ईस्ट में काफी अटैक करवाता था। चाइना तो आज भी करता है। चुंबी वैली के पास कुछ साल पहले ही चाइना के साथ झड़प हो चुका है, जिसे 2017 में डोकलाम के पास हुआ था और 2020 में नाकुला बॉर्डर के पास हुआ था। पिछले कुछ सालों में चुंबी वैली के पास में चाइना ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। सैटेलाइट इमेजेस में मालूम पड़ा है कि चाइना ने यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स भी बना दिया है, अर्ली वार्निंग रडार साइट्स बना दिया है, हेलीपैड बनाया है, रोड तो बनाया है। कुछ साल पहले तो चाइना ने तिब्बत के पास हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बना दिया है। चाइना इस पूरे रीजन में इंडिया और भूटान के काफी लैंड पर अपना क्लेम करता है। चाइना ने भूटान के साइड डोकलाम एरिया में कई किलोमीटर अंदर तक कुछ इलीगल गांव बसा भी दिया है। आप गूगल मैप पे सर्च करके देखोगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे। इस पूरे एरिया में चाइना का मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। चाइना इस पूरे चुंबी वैली एरिया को कैप्चर करना चाहता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी ऊंची पहाड़ियां हैं और यहाँ से अटैक करना चाइना के लिए आसान
आसान हो जाएगा और चाइना इस पूरे एरिया पर आसानी से निगरानी रख सकता है। चाइना ने भूटान को ऑफर भी दिया था कि भूटान के इन एरियाज पर अपना क्लेम छोड़ देंगे, बट उसके बदले भूटान ये पूरा डोकलाम वाला एरिया चाइना को दे दे। अगर चाइना इस एरिया के इम्पोर्टेंट लोकेशन को कैप्चर कर लेता है तो चाइना यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आसानी से कट कर सकता है। अगर चाइना ने इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट कर दिया तो इंडियन मिलिट्री का सप्लाई लाइन कट जाएगा और फिर चाइना नॉर्थ ईस्ट पर अटैक करके उसे कैप्चर कर सकता है। ये सब हमारे लिए काफी चिंता का विषय है, हालांकि ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इंडिया के आसपास के कंट्रीज में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। नेपाल और बांग्लादेश ने चाइना का BRI ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। नेपाल में चाइना काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेपाल में ऑलमोस्ट 70% FDI चाइना से ही आता है। चाइना नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पिछले 5 सालों में चाइना ने नेपाल के साथ $10 billion के प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। चाइना नेपाल में रेलवे नेटवर्क भी बनाने वाला है। नेपाल को रेलवे के थ्रू अपने पोर्ट से कनेक्ट भी करने वाला है, हालांकि ज्यादातर पे अभी काम चालू नहीं हुआ है। और सेम बांग्लादेश में भी हम लोग जानते हैं कि चाइना काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 2020 में सबसे ज्यादा FDI बांग्लादेश में चाइना से आया है। बांग्लादेश के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना बांग्लादेश में ऑलमोस्ट $10 billion के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। एक पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। चाइना ने बांग्लादेश को $30 billion के लोन का ऑफर भी दिया है। हालांकि बांग्लादेश बहुत ही सोच समझ कर चाइना से लोन ले रहा है, क्योंकि चाइना के डेट ट्रैप में फंसना नहीं चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के मिनिस्टर ने चाइना को इसके बारे में ओपनली बोला भी है। सेम चाइना का म्यांमार में भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वहाँ के भी इंफ्रास्ट्रक्चर में वे काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जैसे वे म्यांमार में भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करना चाहते हैं। तो चाइना हमारे आसपास के कंट्रीज में काफी लोन दे रहा है। हालांकि इंडिया भी इन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं और इंडियन प्राइवेट कंपनीज बांग्लादेश में काफी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बट चाइना की जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। चाइना के पास बहुत पैसा है। इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए जापान के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाल ही में इंडिया और जापान ने बांग्लादेश के मतरबारी पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट भी किया है। प्रोजेक्ट को चाइना लेने वाला था, लेकिन इंडिया और जापान को ये प्रोजेक्ट मिला। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, इंडिया ने चाइना को मालदीव में काउंटर किया है। हमने उन कंट्रीज को काफी लोन भी दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के कंट्रीज में तो चाइना का काफी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए काफी कुछ कर रही है। इस वक्त सिलीगुड़ी कॉरिडोर नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है और रेलवे के साथ तो ऑलरेडी कनेक्ट है। और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बन जाने से इसका कनेक्टिविटी और भी स्ट्रांग हो जाएगा। गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी से कोलकाता के बीच 516 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क भी बनाने वाली है। गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहती है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारा अल्टरनेटिव निकाल रही है। गवर्नमेंट कालादाम मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट म्यांमार में सितवे पोर्ट डेवलप किया है और कोलकाता से होते हुए सितवे पोर्ट के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बांग्लादेश के साथ भी काफी कुछ काम कर रही है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने 2 पोर्ट का, एक मंगला पोर्ट और दूसरा चिटगांव पोर्ट का परमानेंट एक्सेस इंडिया को दिया है। यहां से इंडिया आसानी से गुड्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकता है। और गवर्नमेंट बांग्लादेश से होते हुए रेलवे के थ्रू भी नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रही है और रिवर के थ्रू भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच सकते हैं। बांग्लादेश होते हुए कुछ रोड भी डेवलप करने के लिए बातचीत चल रहा है। गवर्नमेंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो हम लोग गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं। यह एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट का पार्ट है और इसे NHAI बना रही है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन किन स्टेट को कनेक्ट करेगा? ये उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगा। यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का बनने वाला है और फ्यूचर में इसे 6 लेन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। किन किन स्टेट से कितना किलोमीटर होकर गुजरेगा? तो 520 किलोमीटर में से ये 84.3 किलोमीटर यूपी में बनेगा, सबसे ज्यादा 416 किलोमीटर बिहार में बनेगा और ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में बनेगा। इस एक्सप्रेसवे पर व्हीकल्स 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। ये एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से होकर गुजरेगा? उत्तर प्रदेश में ये गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बिहार में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगा। यह एक्सप्रेसवे कब बनकर रेडी होगा? तो गवर्नमेंट का कहना है कि 2025 तक इसे बनाकर हम कंप्लीट कर देंगे। यह एक्सप्रेसवे बन जाने से लोगों को आने जाने में काफी आसानी होगा। अभी गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाने में ऑलमोस्ट 14 से 15 घंटे लग जाते हैं। यह एक्सप्रेसवे बन जाने से सिर्फ 7 से 8 घंटे में आप गोरखपुर से सिलीगुड़ी पहुंच जाओगे। गवर्नमेंट गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना रही है। यह एक्सप्रेसवे बन जाने से आप सिलीगुड़ी से होते हुए आसानी से दिल्ली तक
पहुंच सकते हो। इस एक्सप्रेस वे से सबसे ज्यादा बिहार को फायदा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हम आने वाले टाइम में बिहार में ऑलमोस्ट 10 नए एक्सप्रेस वे बनाने वाले हैं। आप ये पूरा मैप में देख सकते हो, इसके ऊपर आने वाले टाइम में मैं वीडियो बना दूंगा। अगर ये सारे एक्सप्रेस वे बन गए तो बिहार की कनेक्टिविटी काफी स्ट्रांग हो जाएगी और बिहार में काफी सारे इंडस्ट्री आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे बिहार की इकोनॉमी को काफी फायदा होगा। बिहार में आज भी मोर देन 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लगता है कि बिहार के लोग नहीं चाहते हैं कि उनके स्टेट में ये सारे एक्सप्रेसवे बने, बिकॉज गवर्नमेंट को लैंड एक्विजिशन करने में बिहार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और इसके वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं। तो जितना डिले होगा उतना ही बिहार को नुकसान होगा और बिहार फ्यूचर में भी एक बैकवर्ड स्टेट ही रह जाएगा। और कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं होगा तो कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं आकर इन्वेस्टमेंट करेंगी और बिहार सिर्फ लेबर ही एक्सपोर्ट करेगा। अभी देखने वाली बात है कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी से बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।